अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं जो नोकिया की तरफ से जल्द ही पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाएगा और ये फ़ोन का नाम है नोकिया वन प्लस। जी हाँ दोस्तों, जो नोकिया वन है उसके बाद में नोकिया ने अभी कुछ दिनों पहले MWC में अपने मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया जो कि नोकिया वन प्लस था, जो कि गो एडिशन फ़ोन है और इसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, मतलब कि एंड्रॉयड की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। अभी इसके अंदर प्री इंस्टॉल आपको मिलेगा एंड्रॉयड पाई 9, तो इसके बाद में आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। और साथ साथ में आपको ये भी दोस्तों बताता चलूं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर कोई भी ब्लॉटवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि एक स्ट्रोक एंड्रॉयड ये फ़ोन है आपको पूरा वादा देने वाला है। तो जो आज की वीडियो में इसके स्पेक्स की बात करेंगे और पाकिस्तान के अंदर प्राइस जानेंगे और जानेंगे क्या ये फ़ोन आपके लिए एक बेहतर चॉइस है अगर आप इतने पैसे खर्चेंगे तो कैसा फ़ोन होगा ये आपके लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जान लेते हैं इसके स्पेक्स और इसकी प्राइस। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, जिसका आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा, आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ है वो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, ये कोई मिड रेंजर नहीं है दोस्तों। इसके अंदर जो स्पेक्स है वो एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हैं दोस्तों। आपको बताता चलूँ इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल प्लास्टिक का है और यहाँ आपको किसी भी किस्म की फ्रंट की तरफ नॉच नहीं मिलती है, बड़े बड़े बेजल मिलते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको तीन कलर्स प्रोवाइड किए गए हैं, पहला कलर है ब्लैक, दूसरा है रेड और तीसरा है ब्लू कलर। उसे काफी इंटरेस्टिंग कलर्स में आता है, जैसे कि आपको लुमिया मिलता था, लुमिया जैसे कलर्स में आता था उसी तरह कलर्स में आता है। दोस्तों फ्रंट की तरफ यहां आपको 5.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि एक नॉन एचडी डिस्प्ले, मतलब कि आपको FWVGA डिस्प्ले मिलता है, मतलब कि ये 720 भी नहीं है, ये नॉन एचडी डिस्प्ले है। और यहां दोस्तों आपको IPS पैनल है ये, और एक हैरानकुन बात है, अच्छी बात है बल्कि, कि यहां आपको जो डिस्प्ले प्रोवाइड किए गए 18:9 रेशो को सपोर्ट करता है। तो यहां आपको PPA रेट मिलता है 197, मतलब कि PPA रेट काफी अच्छा है, आपको अच्छा डिस्प्ले मिलने वाला है, लेकिन आप दोस्तों HD का मजा नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये एक नॉन HD डिस्प्ले है। और यहां दोस्तों मैं एक और बात आपको बताता चलूं, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 1 GB रैम प्रोवाइड की गई है और साथ ही साथ आपको दो वेरिएंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि एक आता है 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और दूसरा आता है 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये आपकी चॉइस है, आपने थोड़े से पैसे खर्च के ज्यादा जो 16 GB लेना है या 8 GB लेना है, तो इसके अंदर आपको जो है दोनों ही एक वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ है MediaTek का 6739 WW प्रोसेसर जो कि एक एंट्री लेवल एक प्रोसेसर है। और यहाँ दोस्तों अगर आगे बात करें, ये क्वाड कोर प्रोसेसर है जो कि 1.5 GHz पर काम कर रहा है। और यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ जो आपको कैमरा प्रोवाइड किया है सेल्फी कैमरा, वो 5 MP का सेल्फी कैमरा, और बैक की तरफ जो प्रोवाइड किया गया वो 8 MP का है। और दोस्तों इसके अंदर आपको 2500 mAh की बैटरी भी प्रोवाइड की गई है। दोस्तों अब सारी बात हो गई तो बैटरी का, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बैटरी है ये रिमूवेबल है, मतलब कि पीछे से इसकी डब्बी खुलेगी, वहीं सिम कार्ड वगैरह सब कुछ डलेगा। और बाद में इसके अंदर एक और बात कि ये जो फ़ोन है ये लॉन्च हो चुका है, मतलब कि लॉन्च हो गया है लेकिन मतलब कि स्टार्ट हो जाएगा सेल होना मार्च के अंदर ही, तो ये $99 का, मतलब कि $100 के करीब लॉन्च हो चुका है ये फ़ोन। $100 का मतलब पाकिस्तान के अंदर 13-14 हज़ार के करीब होता है, तो इस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएं तो पाकिस्तान के अंदर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 15 हज़ार के करीब होने वाली है। तो अगर देखा जाए तो 15 हज़ार के अंदर कोई भी एक अच्छी चॉइस नहीं है इसके मुकाबले में, लेकिन अगर 15 हज़ार से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको वीवो की तरफ से Y91C मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी चॉइस है और इससे वो 5 गुना बेहतर है। 5 गुने कहूँगे, उसके ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे ऐसे आपको उसके अंदर फीचर्स मिलते हैं कि इस फ़ोन से वो 5 गुना बेहतर है। तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, मतलब कि 15 हज़ार थोड़ा सा ऊपर खर्चना चाहते हैं, तो आप वीवो Y91C अभी बाय कर सकते हैं, इसका वेट करने से बेहतर है। अगर आपके पास है ही 15 हज़ार तो मतलब कि आपने जोड़ के रखा हुआ है, कहते इससे ज़्यादा है ही नहीं, तो फिर नोकिया ले सकते हैं। लेकिन आपको बता चलूँ इसके अंदर लिमिटेड फीचर्स हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं, तो एक बेस्ट चॉइस नहीं है अगर आप कहते हैं कि एक फ़ोन मैंने बाय करना है जो मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे, काफ़ी अच्छा चले, अच्छी अच्छी गेम चला दे, तो ये वो इसके अंदर वो कंपैटिबिलिटी नहीं है। हालांकि ये गो एडिशन फ़ोन है, मतलब कि इसके अंदर जो जितनी एप्लीकेशन हैं तो वो गो एडिशन में चलेंगी और काफ़ी तेज़ चलेंगी, लेकिन जो वीवो V91 आपको एक चॉइस ही दे रहा हूँ, V91C है, वो इससे काफ़ी बेहतर है अगर आप कंपैरिजन करते हैं इस रेंज के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं नए वीडियो के साथ, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए चैनल पर आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं नए वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।